तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक्स वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाई इक्वेशंस x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी दिया गया है साइन ए की पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ठीक है t है a की पावर. तो यहाँ पे हमें dy बाई dx निकालना है. तो हमें पता है कि x क्या है आपका, x है t का फंक्शन. तो सबसे पहले हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में. तो d बाई डी टी ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ, अच्छा इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को पावर 1 बाई टू लिख दे और a की पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t. अब हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. अगर ये t की पावर 1 बाई टू होता तब तो सिंपल डिफ्रेंशिएट हो जाता, लेकिन t की पावर 1 बाई टू नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है. मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो चेन रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, चेन रूल में होता क्या है, गिर जाएगा भाई. चेन रूल में होता क्या है, चेन रूल में आप सबसे पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो. यहाँ आउटर फंक्शन क्या है आपका, अंडर रूट है या पावर 1 बाई टू है, उसके बाद a है, उसके बाद साइन इनवर्स है. तो ये सीक्वेंस होगा कि पहले आप अंडर रूट को इस पावर को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन a को a की पावर को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करोगे. ठीक है, तो ये आपका चेन हो गई डिफ्रेंशिएट करने के लिए. खैर, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई टू की पावर वॉट एवर 1 बाई टू माइनस 1, अंदर जो भी है वो लिख दीजिए साइन इनवर्स टी. उसके बाद फिर ए की पावर, ए की पावर क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन हो गया. सबसे पहले आपने पावर को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद आपने ए की पावर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट किया. ठीक है, तो दैट इज डी एक्स बाई डी टी. तो आप इसको लिख सकते हो माइनस वन बाई टू हो जाएगा यहाँ पे पावर, ये हो जाएगा 1 बाई टू लॉग ए एंड ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर माइनस 1 बाई टू. ठीक है, और ये चीज़ आपके पास क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर आप 1 कह सकते हो, तो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी. ठीक है, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. तो पावर जब ऐड करोगे तो 1 और माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, तो 1 बाई टू लॉग ए और ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1 बाई टू होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज डी एक्स बाई डी टी. नाउ सिमिलरली आपके पास डी वाई बाई डी टी निकालना होगा. तो y क्या दिया गया है, y आपका है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, दैट मीन्स dy by dt इज d by dt ऑफ पावर 1 by 2 अंडर रूट को लिख दे रहे हैं a की पावर आपका हो जाएगा cos इनवर्स t. तो ये हो जाएगा 1 by 2 माइनस 1 by 2 वॉट एवर द इनसाइड कॉस इनवर्स टी, और फिर डी बाई डी टी क्या करेंगे, चेन रूल वही लगा रहे हैं, वहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पर हम सिक्वेंसली लिख दे रहे हैं. तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, फिर तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर माइनस 1 बाई टू और यहाँ पर ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ऑफ ए हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ फर्दर कॉस इनवर्स t होगा. ठीक है, ये चेन अभी ख़त्म नहीं हुई है. तो अब यहाँ पे पावर 1 है और ये सेम बेस है, पावर वहाँ 1 1 बाई टू माइनस का है. तो फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, a की पावर कॉस इनवर्स t और ये आ जाएगा आपका 1 बाई टू, सेम बेस है, फिर log a, और कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस
टी स्क्वायर. तो फाइनली आपका क्या हो गया, 1/2 लॉग ऑफ ए, ये पहले लिख दे रहे हैं, और ए कॉस की पावर, कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये माइनस टाइम्स, जो ये माइनस था वो हम माइनस पहले लिख रहे हैं. तो दैट इज़ योर डीवाई बाई डी टी. नाउ दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स जो होता है, सिंस डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डीवाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो डीवाई बाई डी टी आपका क्या आया था, माइनस लॉग ए ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अगेन इनटू दिस वन. ठीक, होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी आपका क्या था, यहाँ पे सब कुछ सेम था, लॉग ए की जगह पे लॉग ए था, इसकी जगह पे ए की पावर सिर्फ कॉस साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स टी टू द पावर 1/2 अपॉन, माइनस नहीं था, 1 माइनस टी स्क्वायर. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपका क्या बचा, एक तरह से माइनस अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन, ये हो गया आपके पास अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और यही आपका क्या था, वाई था, और ये एक्स था, दैट इज माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स. दैट मीन्स डीवाई बाई डी एक्स इसके इक्वल हो गया, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स. प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था.